हम लोग कहते हैं कि एक बार एक इंसान ने भगवान की तपस्या करी और भगवान आ गए, और जनरली लोग एक ही वरदान मांगते कि बस ये कर दो। उसने बोला नहीं, मुझे ऐसा कुछ दीजिए कि मैं जब भी जो मांगू मुझे मिले। पर भगवान कहते हैं तो बहुत अटपटी चीज है, तो इसका एक साइड इफेक्ट भी होगा। बोले क्या? बोले जो तुम मांगोगे तुमको मिलेगा, पर उसका डबल तुम्हारे पड़ोस को मिलेगा। उसने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता। बोले ठीक है। तो उसने गाड़ी मांगी, उसको मिली एक, पड़ोस वाले को दो मिल गई। अब उसको अच्छा नहीं लग रहा। तो उसने एक घर मांगा, उसको दो मिल गया। अब तो और इसको गुस्सा आ रहा है। अब इसका ध्यान नहीं पड़ रहा कि इसके पास इसको जो इसको एक ही चाहिए थी ना, एक मिल गई, इसको एक ही घर चाहिए था। तुमको दो छा, तुम दो मांग लेते, पर उसको एक ही चाहिए था, मिल गया। तीसरी चीज वो सीधा मांगता है कि मेरी एक आंख फूट जाए। उसकी दो फूटी, अब उसको खुशी हो रही है। फिर वो का एक हाथ टूट जाए, उसके दो टूट, मतलब उसको इससे खुशी हो रही है। तो ये एक्चुअली कहानी बताई गई थी कि इंसान खुद के पास क्या है उससे उसको खुशी या दुख का नहीं है, दूसरे को क्या मिल रहा है और दूसरे से क्या छिन रहा है। अभी पूरा उसका दिमाग सिर्फ उस पर चला गया है। तो आप अपनी लाइफ के ब्लेसिंग्स को देखना बंद कर चुके हैं, दूसरे के क्या चल रहा है आपका पूरा ध्यान उस पर है। थोड़ा सा ध्यान वहां से हटाइए और अपनी लाइफ पे लाइए, तो आपकी लाइफ सुधर भी जाएगी और आप खुश भी हो जाएंगे।